नमस्कार दोस्तों, प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में स्वागत है आपका। पहले हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे, उसके बाद में पीआईबी और स्कीम्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्रंट पेज पे एक न्यूज है, हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल चाइना की विजिट पे गए हुए हैं। वहां पे ब्रिक्स के जो कंट्रीज हैं उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग आयोजित हुई, उसी मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए अजीत डोवल वहां पे गए। ये सातवीं ऐसी मीटिंग थी ब्रिक्स के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की। अजीत डोवल ने इस समिट में कहा कि ब्रिक्स को अब अपनी लीडरशिप शो करनी चाहिए काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशंस में और टेररिज्म को काउंटर करने में। ब्रिक्स के बारे में देखिए, अब थोड़ा सा हम डिस्कस करें तो पांच कंट्रीज आते हैं ब्रिक्स में, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और शुरू में जब ब्रिक्स बना था तो चार ही कंट्री आते थे, साउथ अफ्रीका को बाद में ऐड किया गया था 2010 के आसपास। जब ब्रिक्स बना था तो सारी कंट्रीज काफ़ी तेजी से ग्रो कर रही थी, लेकिन आजकल तो जो ब्राज़ील की इकोनॉमी है डाउन है काफ़ी तेज़ी से, अभी ग्रो नहीं कर रही है। सभी 500 के 500 देश हैं वो G20 में आते हैं। और पहला जो सेशन हुआ था वो रशिया में हुआ था, हर साल मिलते हैं ब्रिक्स के जो सारे कंट्रीज हैं इनके प्रीमियर मिलते हैं हर साल। पहला सेशन रशिया में हुआ था और पिछला जो समिट हुआ था 2016 में वो इंडिया में हुआ था, और आने वाला समिट यानी 2017 में इस साल जो समिट होगा वो चाइना में होगा। ये 9th समिट होगा चाइना के जियामिन शहर में, ये समिट होगा 3, 4, 5 सितंबर को। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ब्रिक्स के बारे में जो यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं। अगला आर्टिकल एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में है। कंटेस्ट क्या है, गुजरात के 6 विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, कांग्रेस के 6 विधायक थे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो अब कांग्रेस की तरफ से मांग उठ रही है कि उन विधायकों ने जिन्होंने पार्टी बदल के बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है तो उनके अगेंस्ट में एंटी डिफेक्शन लॉ लगना चाहिए और उनको उनकी सदस्यता रद्द कर दी जानी चाहिए। तो ये एंटी डिफेक्शन जो है, कंटेक्स्ट में आपको बताता हूँ ये कब आया था। देखिए 1970s-80s में ना आयराम गयराम की राजनीति बहुत चलती है। कहाँ से शुरुआत, क्यों नाम पड़ा इसका आयराम गयराम की राजनीति, एक शख्स थे जिनका नाम था गयराम। गयराम ये हरियाणा से विधायक थे और 2 हफ्तों के अंदर में इन्होंने 3 बार पार्टी चेंज कर ली थी। तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार जब लीडर बैठे थे तो अब उन्होंने कहा कि अब गयराम कौन सी पार्टी में है, तो उन्होंने जवाब दिया था कि गयराम अब आयराम हो गए हैं। तो वहीं से शुरुआत हो गई थी इस चीज़ की, आयराम गयराम की राजनीति। फिर इस चीज़ के अगेंस्ट में 1985 में, उससे पहले जो विधायक या एमपी थे पैसे लेके पार्टी बदल देते थे लेकिन उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती थी। तो इसी चीज़ के खिलाफ में जो हॉर्स ट्रेडिंग है उसको रोकने के लिए सरकार एक कानून लेके आई 1985 में, एंटी डिफेक्शन लॉ। अमेंडमेंट कौन सी थी, 52वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब इसमें क्या हुआ कि अगर कोई विधायक या सांसद अपनी पार्टी को छोड़ देता है, यानी जिस पार्टी के सिंबल पे वो विधायक या सांसद जीत के आया था लेकिन आगे जाके अपनी पार्टी को छोड़ देता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। इसके अलावा मान लीजिए फ्लोर में, हाउस में किसी डिसीजन को लेकर वोटिंग हो रही है और कोई विधायक या सांसद अपनी पार्टी को डिफाई करता है, क्योंकि जब भी देखिए इस तरह की वोटिंग होती है ना तो पार्टी के द्वारा विहिप जारी कर दी जाती है और सभी सांसदों या विधायकों को उसी विहिप के हिसाब से जो पार्टी के द्वारा जारी की जाती है उसी के हिसाब से वोट देना पड़ता है। ना तो वो विधायक या सांसद जो है वो एब्सटेन कर सकते या फिर पार्टी की डायरेक्शन से खिलाफ में वोट देते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं, पार्टी के खिलाफ में जाते हैं, तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। इवन इंडिपेंडेंट मेंबर्स यानी आजाद या फिर निर्दलीय विधायक, वो भी अगर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं बाद में, शुरू में तो मान लीजिए वो अपने सिंबल पे जीत के आए लेकिन बाद में वो किसी बड़ी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर बात करें नॉमिनेटेड मेंबर्स की, जैसे राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं, तो ये नॉमिनेटेड जो मेंबर्स हैं 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, तब ये डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। लेकिन 6 महीने यानी नॉमिनेट होने के 6 महीने के बाद में अगर ये कोई पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, इन पे काफी सारे पोटेंशियल क्वेश्चंस बनते हैं। और एक बात जरूर याद रखना, जब इस तरह से कोई डिस्क्वालिफिकेशन का केस आता है, डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड फैसला कौन लेगा, लोकसभा के अंदर में स्पीकर लेगा डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी ये केस है, राज्यसभा के अंदर में चेयरमैन और स्टेट्स के अंदर में भी इवन जो विधानसभा है वहां पे स्पीकर इस तरह का डिस्क्वालिफिकेशन के केस पे फैसला करेगा। अगली न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ये है नेशनल ओशियनिक एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। कंटेक्स्ट क्या है, एक अमरीका के लीडिंग ओशनोग्राफर हैं, ये कहते हैं अमरीका में फिलहाल क्लाइमेट चेंज की प्रिजर्वेशन को लेकर, प्रोटेक्शन को लेकर काफी डिफिकल्ट टाइम है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे ट्रंप हैं, ट्रंप ने पेरिस क्लाइमेट चेंज का जो समझौता था उसको भी रद्द कर दिया है और रिसर्च के लिए जो पैसे हैं उसको भी कम कर दिए हैं। तो ये कहते हैं कि इंडिया के साथ मिलके, इंडिया के साथ पार्टनरशिप करके जो यूएस के जो बड़ी संस्थान हैं वो क्लाइमेट चेंज की तरफ काम कर सकते हैं। तो इंडिया जैसे देशों के साथ में कोऑपरेशन बढ़ाने की ये बात कर रहे हैं। नेशनल ओशियनिक एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगर इस इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ये अमेरिका का इंस्टीट्यूशन है, अमेरिका की कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। डेंजरस वेदर को प्रिडिक्ट करता है, ओशन और कोस्टल जो रिसोर्सेज हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि यूएस का संस्थान है, अगर इंटरनेशनल या इंडिया से रिलेटेड होता तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता। हिंदू में आज कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, पीआईबी में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं।
सबसे पहले है रेडिएशन फैसिलिटीज फॉर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसेस। आपको पता है कि हमारे देश के अंदर में बहुत ज्यादा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की पैदावार होती है। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC ये लगा हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में, ताकि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास किया जा सके जो ये हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड क्रॉप्स है इनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके, इनको प्रिजर्व करके रखा जा सके। क्योंकि आजकल आपको पता है कि ये जो फसलें होती है हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, जो पेरिसेबल आइटम्स होती हैं, इनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता, इसलिए काफी नुकसान हो जाता है। तो इस लॉस को बचाने के लिए कुछ ऐसी रेडिएशन टेक्निक जो ये विकास करना चाहते हैं, ताकि जो ये हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो क्रॉप्स होती हैं उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके और इनको प्रिजर्व करके रखा जा सके। और इसके लिए इन्होंने दो डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट्स को कमीशन करके भी दिखाया है। एक को किया गया था 2000 में मुंबई में, और ये थी हाई डोज रेडिएशन एटवासी, और दूसरी को 2002 में डिमोन्स्ट्रेट करके दिखाया गया था लो डोज रेडिएशन। और लो डोज रेडिएशन की जो फैसिलिटी है वो नासिक में है। ऑपरेट कौन करता है इन दोनों डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट्स को? ऑपरेट करता है बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी, BRIT, याद रखिएगा BRIT दोनों डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट्स को ऑपरेट करता है। फायदा वही है, फायदा हमने डिस्कस किया कि काफी फायदा होगा, जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सकता है, फूड सिक्योरिटी में काफी सहायता मिलेगी, किसानों को फायदा मिलेगी, और जो फूड चेन में काफी लॉस हो जाता है वो लॉस कम होगा सप्लाई चेन में। अगला आर्टिकल रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के बारे में है। पहले सरकार ने पिछले साल ये स्कीम लॉन्च की थी, अब उसके स्टेटस को डिफाइन किया जा रहा है। क्या स्टेटस है इसका, क्या था इस स्कीम में? बड़े जो एयरपोर्ट्स हैं हमारे देश के अंदर में, जैसे दिल्ली मुंबई, इनको जोड़ा जा रहा था छोटे शहरों से, जैसे दिल्ली को जोड़ा जा रहा है शिमला से, इस प्रकार से, ताकि छोटे शहरों में भी कनेक्टिविटी आ सके, वहां पे भी नए बिजनेस इस्टेब्लिश हो सके, तो देश के छोटे शहरों को भी आगे ले जाने की बात हुई थी। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने 5 प्राइवेट एयरलाइंस को 128 रूट्स पे फ्लाइट्स चलाने के लिए चुनाव किया था इनका, यानी 5 प्राइवेट एयरलाइंस का चुनाव किया गया था और उनको कहा गया था कि आप 128 रूट्स पे अपने फ्लाइट्स चलाइए। इस स्कीम में जिन 5 प्राइवेट एयरलाइंस का चुनाव किया गया था, इनको बड़े एयरपोर्ट से छोटे एयरपोर्ट के लिए जो फ्लाइट जानी थी, कुछ सीट्स को आरक्षित रखना था, उन सीट्स में किराए पे कैप रखा गया था, कि एक लिमिट रखी गई थी कि आप 2500 से ऊपर किराया नहीं बढ़ा सकते, और बाकी जो बची हुई सीट है उसके हिसाब से ये पैसा ले सकते थे डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। तो सरकार ने डिसाइड किया था इस चीज के लिए, क्योंकि देखिए ये कुछ सीट्स तो उन लोगों को देंगे ना जिसमें किराए पे कैप है, तो इनको तो नुकसान होगा, तो सरकार को पैसा देना था इन प्राइवेट एयरलाइंस को, वायबल गैप फंडिंग से इनको पैसा दिया जाना था। और वो पैसा आता कहां से सरकार से? वो पैसा सरकार देगी हर एक डोमेस्टिक जो फ्लाइट है वहां पे कुछ 7-8 हजार की डोमेस्टिक लेवी, यानी डोमेस्टिक सेस लगाएगी सरकार, जो कि उस सेस से जो पैसा मिलेगा वो लगाया जाएगा इस रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंदर में। तो ये थी पूरी स्कीम, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक। अब स्टेटस में तो सिंपल सी बातें बताई गई हैं कि 6 रूट्स पर तो फ्लाइट ऑलरेडी चलना स्टार्ट हो गई, फर्स्ट राउंड में जो बिडिंग हुई थी, और 6 रूट्स कौन से हैं जहाँ पे ऑलरेडी फ्लाइट चलना स्टार्ट हो गई, जैसे उदाहरण के तौर पे शिमला, नानंद, कांडला, पोरबंदर, ग्वालियर, बठिंडा। सेकेंड राउंड में नए रूट्स का जो है खोज अभी चल रही है, और जल्द ही सेकेंड राउंड की बिडिंग भी स्टार्ट होगी और छोटे शहरों को भी जोड़ा जाएगा। अगला आर्टिकल फ्लाइट्स में वाईफाई की फैसिलिटी को लेके है। फिलहाल आप फ्लाइट्स में अगर आपने यात्रा की हो तो आपने महसूस किया होगा कि आपको इंटरनेट वहाँ पे उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि जो मोबाइल के सर्विस प्रोवाइडर हैं उनकी तो रेंज आती नहीं इतनी ऊपर, और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे स्पाइसजेट या जेट एयरवेज, ये वाईफाई की फैसिलिटी उपलब्ध करवाते नहीं हैं। क्योंकि वैसे आम तौर पे जो इनका बिलीफ है वो ये है कि जो सिग्नल्स होते हैं इंटरनेट के, वो बाधा उत्पन्न कर सकते हैं एयरपोर्ट के, जो फ्लाइट उड़ रही है उनके नेविगेशन में, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम डाल सकते हैं, इसलिए ये वाईफाई की फैसिलिटी अभी तक नहीं प्रोवाइड करते थे। लेकिन अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, इन्होंने एक प्रपोजल रखा है ताकि फ्लाइट्स में भी वाईफाई की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, और इसके लिए इंडिया का जो टेलीग्राफ एक्ट 1885 है इसको भी चेंज किया जाएगा, और ये जो पूरी की पूरी वाईफाई की फैसिलिटी होगी वो एयरपोर्ट के कंट्रोल, जो फ्लाइट के कंट्रोल सिस्टम से बिल्कुल अलग होगी, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगी, ताकि दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई नेविगेशन को लेकर सिग्नल जो है वो उथल उथल ना हो, बिल्कुल इंडिपेंडेंट सिस्टम होगा ये वाईफाई की फैसिलिटी को लेकर जो होगा। अगला आर्टिकल PIB में दो एप्लीकेशंस को लेकर है, एक सागरवाणी और एक इंडिया क्विक। अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री के फाउंडेशन डे पे इसे लॉन्च किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने। डॉक्टर हर्षवर्धन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंस एंड एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैं। क्योंकि जो ये मिनिस्टर थे एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के, इनकी डेथ हो गई थी, तो अभी जो अतिरिक्त कार्यभार है वो डॉक्टर हर्षवर्धन के पास में है। तो किस लिए है ये दो एप्लीकेशंस, सागरवाणी और इंडिया क्विक? कई बार जब अर्थक्वेक आता है तो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी जिसके रीजनल सेंटर्स हैं 84 जो कि आपस में जुड़े हुए हैं VSAT से, तो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी जो है वो इन्फॉर्मेशन सेंड करता है VSAT के थ्रू अपने 84 रीजनल सेंटर्स के पास में, लेकिन कई बार इसमें काफ़ी डिले हो जाता है, तो इसीलिए ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई है इंडिया क्विक और सागरवाणी।
इसमें क्या होगा, जो ऑटोमेटिक जो भी इंफॉर्मेशन होगी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के पास में, वो उस एप्लीकेशन में आ जाएंगे ऑटोमेटिक रूप से, कुछ करना नहीं पड़ेगा मैनुअली। तो इसका फायदा ये होगा डिफरेंट जो एनजीओज हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या भी जो भी ऐसी एजेंसी जिनको डिजास्टर से डील करना होता है, उनके पास में काफी जल्दी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, डिले नहीं होगा इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने में। तो ये फायदा है इन दोनों एप्लीकेशंस का, इंडिया क्विक और सागरवाणी। और एक और जो चीज की गई है, एक ही सर्वर होगा सभी चीजों की इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने के लिए। अब मान लीजिए काफी सारे नेटवर्क्स पे इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, फेसबुक पे भी करना है, ट्विटर पे भी करना है, एसएमएस से भेजना है, मेल से भेजना है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में भेजना है, तो सभी चीजों के लिए एक ही सर्वर को कनेक्ट किया गया है। तो ऐसा नहीं होगा कि फेसबुक पे दो घंटे बाद पहुंचेगी इंफॉर्मेशन, या फिर एक लैंग्वेज में पहुंचेगी दूसरे लैंग्वेज में नहीं पहुंचेगी, सभी चीजों को कन्वर्ट कर दिया गया है, सर्वर एक ही है, ये याद रखिएगा। दोनों एप्लीकेशंस लॉन्च इसके द्वारा की गई है, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, जो कि आता है अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के अंदर में, और अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के फाउंडेशन डे पे ये दोनों एप्लीकेशंस लॉन्च की गई है, इंडिया क्विक और सागरवाणी। अगला आर्टिकल पीआईबी में प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर के बारे में है। 2011 में ये स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम चलाई गई थी। एम क्या था, जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स को एनकरेज करना कि वो जम्मू एंड कश्मीर से बाहर जाके हायर एजुकेशन ले सकें। तो काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जा रही थी, तो उसमें अब और ज़्यादा इजाफा करने का प्रपोजल है, 5,000 और ज़्यादा फ्रेश स्कॉलरशिप्स ऐड करने का प्रपोजल है, जिसमें से 4,500 जो सीट्स होंगी वो जनरल सीट्स होंगी, और इसके अलावा 250 जो सीट्स होंगी वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए, और बची हुई 250 होंगी वो मेडिकल स्टडीज़ के लिए। तो जब से ये स्कीम चलाई है 2011 से, स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जा रही है, काफ़ी संख्या से जम्मू एंड कश्मीर के जो यूथ हैं वो बाहर के स्टेट्स में आ रहे हैं एजुकेशन लेने के लिए, और यही मकसद है ताकि जम्मू एंड कश्मीर के लोग भी जो है वो इंडिया से मेन स्ट्रीम से और ज़्यादा कनेक्ट हो और देश के दूसरे कल्चर्स के बारे में जानें। अब स्कीम्स के बारे में देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की स्कीम्स हम डिस्कस कर रहे थे। तो पहली स्कीम है नीम कोटेड यूरिया। यूरिया जो एक फर्टिलाइजर है, पहले यूरिया की ना काफ़ी सारी स्मगलिंग होती थी दूसरे देशों में, बांग्लादेश में इसकी स्मगलिंग होती थी और दूसरे प्रोडक्ट्स में भी इसका यूज होता था कंटामिनेशन के लिए। तो अब क्या किया सरकार ने, यूरिया के ऊपर में नीम की कोटिंग करनी स्टार्ट कर दी। इसके काफ़ी सारे फायदे हैं यूरिया के ऊपर में अगर नीम की कोटिंग की जाती है तो। एक तो पहले जो दूसरे कामों के लिए स्मगलिंग होती थी यूरिया की, वो स्मगलिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि अगर यूरिया के ऊपर में नीम की कोटिंग होगी तो उन दूसरे कामों में यूरिया का कोई फायदा नहीं रह जाएगा। एक नीम की कोटिंग करने से जो फर्टिलाइजर काफ़ी ज़्यादा रिलीज हो जाता था जल्दी से, वो जल्दी से फर्टिलाइजर रिलीज नहीं होगा और बेस्ट रूप से, एफिशिएंट रूप से क्रॉप्स के काम आ सकेगा, एक ये फायदा है। तो कम अगर फर्टिलाइजर यूज होगा तो किसानों को भी काफ़ी फायदा होगा, उनको कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब न्यूज़ ये है कि अभी जितना भी यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है, एंटायर क्वांटिटी ऑफ यूरिया मैन्युफैक्चर्ड, अब उस पर नीम की कोटिंग हो रही है, और फील्ड से यानी सरकार कहती है कि अब खेतों से अच्छी खबरें आ रही हैं कि जो सरकार की स्कीम थी यूरिया को, यूरिया के ऊपर में नीम कोटिंग करने की, उसका काफ़ी फायदा हो रहा है। अगली जो स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना। किसान जो है काफ़ी बार जो फर्टिलाइजर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, इससे सॉइल डिग्रेडेशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है और किसानों की इनकम पे भी असर पड़ता है। तो इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को एंकरेज करने के लिए स्कीम चलाई थी, जिसका नाम है परंपरागत कृषि विकास योजना। टारगेट क्या था, 2015-16 में स्कीम चलाई गई थी, उस समय सरकार का टारगेट था कि 5,00,000 एकड़ तक के एरिया को कवर करना है 2017-18 तक। और कैसे कवर करेंगे, 50-50 एकड़ के 10,000 क्लस्टर्स बनाए जाएंगे और इसके थ्रू वहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को एंकरेज किया जाएगा। अभी तक स्टेटस कहता है स्कीम का कि 7,208 क्लस्टर्स बनाए जा चुके हैं और 2017-18 तक और भी बना लिए जाएंगे। तो ये स्टेटस है, तो याद रखिएगा स्कीम परंपरागत कृषि विकास योजना। रिकैप करें तो दो स्कीम्स हमने डिस्कस करी आज, नीम कोटेड एरिया और परंपरागत कृषि विकास योजना। उसके बाद में बात करें पीआईबी की, तो हमने डिस्कस किया रेडिएशन फैसिलिटीज फॉर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसेस, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़ान, वाईफाई फैसिलिटी ऑन फ्लाइट्स, सागरवाणी, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर। हिंदू की अगर बात करें तो हिंदू में हमने डिस्कस किया ब्रिक्स के बारे में, जो वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग आयोजित हुई, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में डिस्कस किया हमने, और नेशनल ओशियनिक एंड एटमोस्फियरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA के बारे में भी डिस्कस किया। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।